हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मेथी मेथी ये और मटर, मेथी मलाई मटर हम बनाएंगे। तो उसके लिए लगेगा ये मटर, मैंने लिया है फ्रोज़न मटर। आजकल तो फ्रेश मिल रहा है तो मैंने साफ़ करके फ्रिज में रखा था। और ये 4-5 प्याज लिया है, देखो। और ये मैंने दूध पाउडर लिया है 2 बड़े चम्मच। ओ, ये हम मलाई के जगह पे डालेंगे क्योंकि मलाई बहुत फैटी रहती है, इसके लिए हम दूध पाउडर से बनाएंगे। और ये मिर्ची लगेगी जितनी आपको लगेगी। और ये है मेथी, ये देखो बहुत अच्छा और फ्रेश और छोटी मेथी है ये, मतलब बड़ी मेथी है लेकिन उसमें ये छोटी है। तो ये गांव की मेथी है, बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी है। तो और लगेगा अपने को नमक और ये तेल और थोड़ी सी शक्कर लगेगी, 1 चम्मच शक्कर लगेगी। तो चलो तो फिर बनाते हैं मेथी मलाई मटर। ये देखो मैंने ये पैन रख दिया है और 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। तो चलो तो फिर बनाते हैं अपना मेथी मलाई मटर। ये देखो मैंने मटर उबाल के लिया है, सॉफ्ट उबाला है। ये जो है वो हींग और थोड़ा जीरा लिया है और 2 चम्मच शक्कर। तो शुरू करते हैं। पहले डालो जीरा, जीरा और हींग, इसको थोड़ा क्रैक होने तक। फिर डालो अपना प्याज, प्याज को थोड़ा सॉफ्ट करने दो। प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद अपन डालेंगे मेथी, मिर्ची, उसके बाद मेथी। तो थोड़ा नमक डालेंगे, इसमें थोड़ा प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखो अभी थोड़ा पिंक हो गया है। तो अब हम डालेंगे उसमें हरा मिर्ची जो मैंने काटा था। आपको जितना चाहिए उतना मिर्ची डालो आप, मैं थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ तो मैंने थोड़ा ज़्यादा मिर्ची लिया है। इसके बाद हम डालेंगे अपना मेथी, ये मेथी जो मैंने साफ करके धो के काटा है, ये इसमें डाल देंगे। इस तरह से, और इसको भी ऐसे स्टर फ्राई करेंगे। प्याज में थोड़ा स्टर फ्राई करके उसको थोड़े देर के लिए कुक करने के लिए रखेंगे। ऐसे देखो इसका जो पानी है ना वो सारा निकल जाएगा।
थोड़ी देर हम इसको कुक करेंगे, इसके बाद हम डालेंगे अपना पीज और दूध पाउडर। ये देखो अपना मेथी 2 मिनट में पक गया। इसमें डालेंगे अब अपना मटर जो मैंने बॉईल करके रखा था। ये देखो डालेंगे थोड़ी सी शक्कर। मेथी को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, थोड़ा कच्चा खाएंगे ना तो अच्छा लगता है, मुझे विटामिन्स अच्छा रहेगा उसमें। पूरा एकदम पकाएंगे, एकदम काला कर देंगे तो टेस्ट में भी ये होता है और सारे विटामिन जल जाते हैं, इसके लिए ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। अब डालेंगे अपना दूध पाउडर। इससे हेल्दी होता है खाना। वो क्रीम डालेंगे तो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, इसके लिए जो खा सकते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके मुझे ऐसा अच्छा लगता है, ये खाना हेल्दी रहता है। तो आप ऐसे बना के देखो, नमक मिर्ची सब अपना टेस्ट के अनुसार आप देखो बना के। आपको अच्छा लगता है तो मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैसेज भेजो मुझे। ये देखो आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक थोड़ा सा आधा कप दूध भी डाल सकते हो थोड़ा गीला करने के लिए। अभी अपना भाजी तैयार है, ये देखो ऐसे। ज़्यादा करके हेल्दी खाना चाहिए क्योंकि अपने पास इतना पैसा नहीं रहता डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो और डॉक्टर को क्यों पैसा दे हम, जब हम हेल्दी खा सकते तो हेल्दी खाना चाहिए। वो ज़्यादा तेल मसाला ज़्यादा अपना घी डालते हैं तो उसमें अपना ही नुकसान होता है। वो दिखने में अच्छा रहता है लेकिन खाने में भी ज़्यादा नहीं खा सकते, थोड़ा सा खाएंगे क्योंकि उसमें तेल है, घी है, मलाई है, जो भी। तो ये जो है वो बहुत मस्त लगता है, आप ज़्यादा भी खा सकते हो और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें मलाई नहीं है। ये देखो अपना भाजी तैयार है, रेडी है खाने के लिए, मस्त लगता है ना। तो खाओ, चपाती के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, नान के साथ खाओ, जो भी अच्छा लगे उसके साथ खाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।